आ गए तुम लोग, स्वागत है तुम लोग का एक और ब्रांड न्यू कॉमन राज वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो जाके मेरा लॉस गाना देख लो भाई, जिन लोगों ने नहीं देखा कितनी बार कहूंगा यार, प्लीज जाके मेरा गाना देख लो लॉस, मेरे कॉमन राज म्यूजिक चैनल के ऊपर है। जिन लोगों ने देख लिया है एक बार फिर से देख लो, जिन लोगों ने नहीं देखा भाई जाके देखो कॉमन राज म्यूजिक के ऊपर। मेरा नेक्स्ट सॉन्ग साफ भी बहुत जल्दी आने वाला, तो भाई जाके लॉस पे प्यार दिखाओ अपना। अब मेरा तुम लोगों को सवाल है कि भाई तुम लोग सच्चे प्यार में मानते हो कि नहीं मानते, मतलब तुम लोग को ऐसा लगता है कि भाई कोई इंसान अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्या तुम ऐसा मानते हो? क्योंकि भाई मैं तो ऐसा मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि भाई मैंने अपने सामने एग्जांपल देखे हैं यार। राखी सावंत ने भाई दीपक लाल जैसे आदमी से शादी कर ली थी क्योंकि भाई वो सच्चा प्यार करती थी उससे। गोपी बाबू ने भाई लिटरली MG का लैपटॉप धो के सुखा दिया था क्योंकि भाई वो MG से बहुत प्यार करती थी। पोपट लाल की अभी तक शादी नहीं हुई है और सब लोग जानते हैं कि उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे कारण है भाई उसका मायावी छाता। कोई इंसान भाई 40-50 साल की भी अपने साथ में छाता लेके घूमता है तो भाई सबको मालूम पड़ गया कि भाई ये छाता सेक्सुअल है, इसका और इसके छाते का कुछ ना कुछ तो चल रहा है भाई। फिर भी दोस्तों क्या पोपटलाल ने कभी अपने छाते को छोड़ा? नहीं, क्योंकि यही तो सच्चा प्यार है दोस्तों। नए टप्पू के ऊपर इतना सारा प्रेशर है कि भाई उसे अच्छी एक्टिंग करनी चाहिए, बट वो अच्छी एक्टिंग कर पा रहा है? नहीं, कभी कर पाएगा नहीं, क्योंकि भाई वो ओवर एक्टिंग से प्यार करता है दोस्तों, वो भी सच्ची वाला। दादाजी का बवासीर, भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया। अब तुम सोच रहे हो कि भाई कॉमन भाई क्या सच्चे प्यार कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, प्यार हो गया क्या? तो नहीं भाई, मुझे प्यार व्यार नहीं होता, मैं तो अकेला ही मरूंगा सलमान भाई की तरह। अरे सलमान, मगर मैंने एक शो देखा भाई रिसेंटली, अभी टीवी पे कुछ मम्मी देख रही थी और तब मुझे शो दिख गया भाई। इस शो का नाम है ना उम्र की सीमा हो, एंड ट्रस्ट मी दोस्तों ये शो है ना भाई इतना प्यारा शो है, इतना प्यार भरा शो है ये, जिसको देखने के बाद भाई तुम्हारे अंदर भी बहुत सारा प्यार जगेगा। ये सच्चे प्यार की लव स्टोरी है दोस्तों, ऐसा प्यार भाई देखने को मिलता नहीं है भाई, कलयुग आ चुका है, ऐसा प्यार देखने को नहीं मिलता। लड़का उम्र में कितना बड़ा है ना, जरूर लड़की में कुछ कमी होगी। इस शो के अंदर ये लड़की जिसकी उम्र भाई आराम से तुम लोग को लग रही होगी 28-30 साल की और ये दिखने में बहुत प्यारी है राइट, इसको तो बहुत ही प्यारा सा लड़का मिलेगा मेरे जैसा। मगर अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि भाई उसे मेरा ऐसा प्यारा लड़का मिलेगा तो नहीं, तुम गलत हो, क्योंकि भाई इसको एक बुड्ढा लेके चले गया भाई। ये भाई भगवान से 3-4 साल छोटा बुड्ढा अपने आप से 1000 साल छोटी अपनी पोती की उम्र की लड़की से शादी कर रहा है भाई। और जब कोई इंसान, यहाँ तक कि लड़की भी कहती है कि यार बुड्ढे यार तेरी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है, मैं 30 साल की जवान अप्सरा और तू साले 99 साल का बुड्ढा, तू 2 साल के बाद मर जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूंगी। अब ये बुड्ढा बड़ी बेशर्मी से कहता है, आप बारिश में भीग रहे हैं चलिए। भीग तो तुम भी रहे हो विदी, जब बारिश हमारी उम्र में फर्क नहीं करती तो हम क्यों करें। इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं। अबे बुड्ढे छाता लेकर आया था तो भींगा नहीं होता तू, और ना वो भींगी होती। एक तो बारिश में खड़ा होकर फालतू का ज्ञान दे रहा है कि भाई बारिश हमें फर्क नहीं करी तो तू क्यों कर रही है। अरे वो करेगी ना भाई, उसका फ्यूचर है ना भाई, वो जवान लड़की, उसको जवान लड़का चाहिए, तू साले तेरे तो भाई 3-4 बच्चे होने चाहिए इसकी उम्र के। और फिर जब लड़की कह रही कि भाई मुझसे नहीं होगा भाई, लोग इतना बुरा बोलते हैं हमारे बारे में, लोग पैसे का फर्क करते हैं, लोग एज का फर्क करते हैं, हम बहुत अलग है ना, हम पैसों से उम्र से। फिर भी ये बुड्ढा बड़े एटीट्यूड के साथ कह रहा है, जब बारिश हमारी उम्र में फर्क नहीं करती तो हम क्यों करें। हाँ भाई, हम लोग कौन होते भाई फर्क करने वाले भाई, उस हिसाब से तो कपड़े ही मत पहना कर, बारिश तो भाई कपड़े और बिना कपड़ों के भी फर्क नहीं करती तो हम क्यों करें। मुझे इस शो से ये प्रॉब्लम है कि भाई इन लोगों ने एक बहुत ही घटिया सी लव स्टोरी दिखाने की कोशिश की है भाई, एक बुड्ढा आदमी और एक जवान बंदी एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और बंदी बार बार मना कर रही है, बट बुड्ढा जो है भाई वो घटिया एग्जांपल दे देकर, जैसे कि ये बारिश वाला एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल दे देकर इस बंदी को फील करवा रहा है कि भाई ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, और हम लोग को ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है भाई, हर कोई करता है। एक अमीर बुड्ढा और एक मिडिल क्लास जवान लड़की, भाई इनका रिलेशनशिप बहुत नॉर्मल होता है भाई, यहाँ पर कोई गोल्ड डिगिंग और यहाँ पर कोई लस्ट वाली चीज नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीज है भाई। टीवी के ऊपर ऐसा दिखा रहे कि भाई 60 साल का बुड्ढा और ये 28 साल की लड़की का भाई बाथरूम वाला सीन चल रहा है, कितना गंदा है ये। जाहिर सी बात है तुम लोगों ने कभी शो को देखा नहीं, मैंने भी कभी देखा नहीं है इसको, क्योंकि भाई जितना प्रॉब्लमेटिक शो का सब्जेक्ट है उतना ही फनी और स्टूपिड ये शो है। अच्छा मैं तुम लोग को इस शो के प्लॉट के बारे में बताता हूँ। ये बुड्ढा, ये बहुत ही अमीर बुड्ढा है भाई, इसके ऊपर दुनिया भर का पैसा है, मगर क्या नहीं है इसके पास दोस्तों, इसके पास एक बीवी नहीं है। और ऐसा नहीं कि भाई इसको बंदी नहीं मिल रही भाई, इतना पैसा तो बंदी तो आराम से मिलेगी इसको, एक बंदी का भाई क्रश भी है इसके ऊपर, जबकि भाई इसको देख के तो बंदी को उल्टा करनी चाहिए, मगर एक बंदी से प्यार करती भी और शादी करना भी चाहती है, मगर नहीं, बुड्ढे का भाई स्वैग अलग, बुड्ढा नहीं करता उसे शादी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इस थर की हल्सी बुड्ढे को भाई कोई और बंदी पसंद है जो कि है भाई ये 0 IQ वाली बंदी। इस बंदी में भाई दिमाग है ही नहीं, नहीं बिल्कुल दिमाग नहीं है भाई इसके अंदर भाई, ये लड़की ढंग से बोल भी नहीं पाती भाई। पीछे खिड़की हवा हवा। और ये लड़की एक मिडिल क्लास लड़की है जो कि भाई इवेंट मैनेजमेंट में काम करती है। इस बुड्ढे के घर पे आता है एक फंक्शन जहाँ पर ये बंदी जाती है और वहाँ पर एक ठरकी हौसी बुड्ढा भाई इस बंदी को टक्कर मार देता है, जिसके वजह से इस बंदी के हाथ में जो एक प्लेट होती है बहुत महंगी वाली प्लेट, वो जमीन पर नीचे गिर जाती है। ये क्या किया?
इसके घर की प्लेट है, वो इस बुड्ढे के घर की प्लेट है। अब अगर एक ठरकी बुड्ढा चाहता तो ये कह सकता था कि भाई ये मेरी घर की प्लेट है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, फुट गई रहने दो, कोई बात नहीं। या फिर अपने जेब से 100-200 रुपए निकाल कर दे दिए होते कि भाई हाँ यार 100-200 रुपए की प्लेट है, ये जाके दे देना अपने मालिक को। मगर इसने क्या किया तुम्हें पता है? मेरी बात सुनो, ये पकड़ो, ये जो टूटा है उसके लिए रिंग रखो। ये जो प्लेट तूने मेरे घर पे फोड़ी है, मेरी प्लेट जो तूने फोड़ी है उसके लिए तू अंगूठी रख ले और जाके अपने मालिक को दे दियो। अबे गधा है क्या तू? तेरी घर की प्लेट फूटी तो उससे उल्टा पैसा लेना, उसको पैसे दे क्यों रहा है तू? इंडियन टीवी सीरियल। इसके बाद इन दोनों का प्यार बढ़ने लग जाता है और ये बुड्ढे को बहुत प्यार होने लग जाता है इससे। तो ये क्या करता है कि भाई इसको एक जॉब पे रख देता है अपने। इस बंदे के पास ना तो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ना कोई जॉब की स्किल्स है, ना है इसको काम करना आता है भाई। और भाई जब इसको जॉब दिया गया था भाई, तब दुनिया का सबसे बेस्ट लेजिट इंटरव्यू हुआ था, जो कि भाई कभी हो ही सकता है ऐसा इंटरव्यू। हाई स्कूल और इंटर दोनों में फर्स्ट डिवीजन से 3-3 मार्क्स से चूक गई। मैं सब भूल जाती थी, हाथ पैर ठंडे हो जाते थे। अब तुम सोचो कि भाई तुम किसी ऑफिस के बॉस हो और तुम्हारे सामने ऐसा बंदा इंटरव्यू देने के लिए आए, तो भाई क्या तुम अपने पूरे होश में उसको जॉब दोगे? जाहिर सी बात है नहीं दोगे। मगर हमारा ठरकी बुड्ढा तो भाई बहुत बड़े दिल वाला है, इसलिए भाई ये बंदा एक ऐसी लड़की को जिसने 12वीं ढंग से पास नहीं की है उसको अकाउंट्स का जॉब दे देता है भाई। अकाउंट्स का? मुझे कंप्यूटर यूज करना नहीं आता। तो तुम अकाउंट्स कैसे मैनेज करोगी? ये तो भाई इसको जॉब देने वाले को समझना चाहिए था ना भाई। ये तो उस बुड्ढे के दिमाग में आनी चाहिए था ना बात कि भाई इसने 11वीं 12वीं पढ़ी नहीं, इसको कंप्यूटर चलाना आता नहीं है, तो भाई अकाउंट्स कैसे करेगी? रजिस्टर टूटा हुआ साज हूं मैं खुद से ही ना। रजिस्टर में करेगी अकाउंट्स? अरे चाय की टपली नहीं है पागल लड़की तुम। मैं तो हाथ से सर, मैं घर पे भी ऐसे ही करती हूँ। इसको रखा गया था भाई बड़े पोस्ट के लिए, मगर इसकी अकल देख के भाई काम करवाया इसे चपरासी वाला। इसको भाई कुछ भी काम कहते हैं, जैसे कि भाई कहा कि भाई जाके गर्म पानी लेके आ। गर्म पानी? कल तो गर्म पानी छोड़, तू तो कॉफी लेके आ जा। यहाँ तो कॉफी लिखा ही नहीं। अबे दिमाग से पैदल लड़की, वो कॉफी मशीन है, वहाँ पर कॉफी लिखा नहीं होता, वहाँ पर कॉफी के फ्लेवर्स लिखे रहते हैं, फ्लेवर्स के नाम पढ़। कैपेचिनो लाते और एस्प्रेसो और चाय लिखा है बस। लाते नहीं है वो, बट छोड़ यार, जो एस्प्रेसो वगैरह जो लिखा है ना वो ले आ तू। एस्प्रेसो इसमें तो दूध है ही नहीं। अरे चुड़ैल इसमें दूध कहाँ से आएगा, ये ब्लैक कॉफी है, ब्लैक कॉफी के अंदर दूध नहीं होता भाई। एमएनसी में काम कर रही है भाई, तो कुछ अकल नहीं है, क्यों रखे रखा है जॉब? नो वन नो। हमारे लिए हीरो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, बहुत ही बड़ा काम किया है भाई ने, तो हम क्यों करें? और फिर पता नहीं इंडियन टीवी सीरियल्स का मुझे समझ में नहीं आता कि भाई अभी इसको थोड़ी देर पहले भाई रजिस्टर में काम करना था, कंप्यूटर चलाना इसको आ नहीं रहा था, थोड़े दिनों के बाद ये कंप्यूटर चलाना सीख भी जाती है। और एक बार तो क्या होता है कि कंप्यूटर पे इसे काम करना होता है, मगर ये कुछ और देखते हुए पकड़ी जाती है उसके अंदर। Naughty America. Nobody. 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 Does it better. ये गलती से अच्छा। इस इंसिडेंट के बाद ठरकी बुड्ढा फाइनली डिसीजन लेता है कि भाई ये लड़की कोई काम की नहीं है, ये हमारी कंपनी को बर्बाद कर देगी, इसको निकालने में फायदा है। मगर ये फिर भी वहां से जाती नहीं है, क्योंकि भाई इसका साबुन बहुत स्लो है, इसे समझ में कुछ नहीं आता को लोग क्या बोलते हैं इसको। प्लीज इस गलत समय में मत रहना कि ऐसी कोई हरकत करेगा और उसको सजा नहीं मिलेगी। मिलेगी सजा। एंड यू मिस रिदी, मैं अभी इस वक्त तुम्हें इस ऑफिस से, इस जॉब से बाहर निकाल रहा हूं। यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड। आउट, आउट। नहीं, इसको अभी भी समझ में नहीं आया भाई, एक बार फिर से बोल। गेट आउट। अरे जोर से बोल मेरे भाई, जोर से बोल, तब जाएगी वो, मंद बुद्धि है वो। Get out! हाँ अब सुनाई दिया ना उसको, बैरी है भाई, सुनाई नहीं देता उसको। और हाँ भाई, इसको तो रास्ता भी नहीं बताना अपने घर का। देख पागल लड़की, स्ट्रेट जाके लेफ्ट लेना है, ठीक है? स्ट्रेट जाके लेफ्ट। स्ट्रेट जाके लेफ्ट। चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। स्ट्रेट जाके लेफ्ट। निकल अरे भैंड निकल। इस लड़की ने भाई इतनी सारी गलतियां की, कंपनी में भाई 1% का प्रॉफिट नहीं करवाया, उल्टा नुकसान ही करवाया हर बार, मगर फिर भी भाई इसने बुड्ढे को मना दिया। सोचो कैसे? अब तुम सोच रहे हो कि वैसे नहीं नहीं वैसे नहीं, पागल हो क्या साले, इंडियन टीवी सीरियल इसमें ऐसा कुछ नहीं आता, ठीक है? इसने लिखा भाई एक लेटर। सब जानते हो तू कैसे देखता है मुझे, तूने काम पर रखा भी मेरे को देख के था ना, मेरे को पता है कि 24 घंटे तो अपने ऑफिस से मुझे झालता रहता है। साले मुझे काम पर रख ले, वरना बता रही हूँ सबको, बता दूंगी तेरे बारे में साला ठरकी बुड्ढा। क्या आप ये जॉब वापस ज्वाइन करना चाहेंगे? अबे तू थोड़ा सा जाने मेरी जाने मन। क्या?
भाई कसम से नियायती चूतिया शो है ये। लास्ट में तो मैं तुम लोग क्या ही कहूँ भाई शो के बारे में। देखो कितना आसानी से इसको जॉब मिल रहा है, कितना आसानी से जॉब कर रही है, और कितना आसानी से वो बुड्ढा भाई इसकी हर गलती को ऐसा दिखा रहा है कि भाई इसने गलती की नहीं है। भाई ये तो छोटी मोटी गलती है, चलो मैं माफ कर देता हूँ तुम्हें, मेरा तो बहुत बड़ा दिल है। और फिर बाद में दोनों प्यार कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। इस बुड्ढे बंदे के पास एक बुड्ढी क्रश है भी जो कि इसके ऊपर क्रश डालती है, बट ये उसको लाइन नहीं मारता, इसको जवान लड़की चाहिए और इसको इन लोगों ने बहुत नॉर्मल दिखाया है। तो भाई बहुत ही स्टूपिड शो है, बट तुम लोग अपना कमेंट करके ओपिनियन बताना कि भाई तुम्हें ये चीज नॉर्मल सी लगती है या फिर प्रॉब्लमेटिक लगती है, कॉज ये टीवी पे दिखा रहे हैं लोग, सो आई थिंक इट इज स्टूपिड। इतना ही था तुम लोग को एज गैप का दिखाने का। तो भाई ऐसा करना चाहिए था कि भाई जो बुड्ढा बंदा उसको गरीब बनाना चाहिए था, और लड़की को तुमने अमीर बना दिया होता, फिर लड़की को मिडिल क्लास बना दिया होता, फिर दिखाया होता कि भाई हाँ एक गरीब बुड्ढे से भी लड़की प्यार कर रही है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, अमीर बुड्ढा बना रखा है, जवान लड़की बना रखी है, मिडिल क्लास, और समझ में आ रहा है भाई क्या तुम मैसेज देना चाह रहे हो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मुझे शो का कॉन्सेप्ट बहुत अजीब लगा, उस दिन टीवी पर अचानक से दिख गया था ये शो का प्रोमो, और मुझे लगा कि यार ऐसा कुछ भी आता है क्या टीवी के ऊपर, कॉज मैं तो टीवी तक देखता नहीं हूँ भाई। कहने के अपने चैनल पर सब्सक्राइब करो, यहाँ पर और डोप वीडियो देखने में बहुत मजा आएगा। मेरे नए गाने लॉस को देखना मत भूलना, मेरे कॉमेंट राज म्यूजिक चैनल के ऊपर है, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार सभी पर। तो खुद से खो गया हूँ, फिर से रुक के सो गया हूँ, मन मरने का करे फिर भी घुट घुट के जी रहा हूँ, कोई ना साथ मेरे, सबके दिल झूठे वादे जब तक काम निकले तब तक ये साथ मेरे। मैं तो खुद से खो गया हूँ, फिर से रुक के सो गया हूँ, मन मरने का करे फिर भी घुट घुट के जी रहा हूँ, कोई ना साथ मेरे, सबके दिल झूठे वादे जब तक काम निकले तब तक ये साथ मेरे। हाँ।